महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार बनाने का दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। अभी हमारे पास 170 विधायक समर्थन में हैं, जो 175 तक पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि शिवसेना के 56 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 44 और एनसी के पास 54। वहीं निर्दलीय विधायकों की संख्या करीब एक दर्जन है, जिनमें से पहले ही 6 शिवसेना को समर्थन जता चुके हैं। अगर ये सभी पार्टियां साथ आती हैं तो ये आंकड़ा फिलहाल 170 पहुंच जाता है। वहीं एनसीपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक हुई। दरअसल ये बैठक पार्टी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच होने वाली मीटिंग से पहले की है। इस बीच एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि अगर शिवसेना कहती है कि उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा तो ये बिल्कुल ठीक है। फिलहाल शिवसेना अपनी भूमिका स्पष्ट करे, उसके बाद हम भी अपनी भूमिका बता देंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हमको जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए चुना है और हम ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन अगर शिवसेना अपनी भूमिका स्पष्ट करे तो कई चीजें बदल सकती है। इससे पहले सामना में शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। नई गठबंधन सरकार के गठन में सीएम पद को लेकर खींचतान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, पुलिस, पैसा, धाक है जो दूसरी पार्टी पर जमाती है और इनके जरिए वो विधायक तोड़कर सरकार बना सकती है। सामना में लिखा है कि अगर बीजेपी के पास शिवसेना के बगैर बहुमत हो तो वो सरकार बना सकती है। ये संदेश उद्धव ठाकरे का था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है। हमारे बीजेपी सूत्र कहते हैं कि अमित शाह इस मामले में झुकना नहीं चाहते। हालांकि बीजेपी सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी की रणनीति है कि थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि शिवसेना फिर से बातचीत शुरू करेगी और तब तक कांग्रेस और एनसीपी का रुख भी साफ हो चुका होगा। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो यहां 288 सीट है, जिनमें से बहुमत के लिए 145 चाहिए। फिलहाल शिवसेना के पास 56 और एनसीपी के पास 54 विधायक है, यानी दोनों पार्टी के मिलकर कुल 110 विधायक है, जो बहुमत के आंकड़े से 35 कम है। उसमें इन्हें कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस कह रहे हैं उससे साफ है कि अगर ये दोनों दल साथ आते हैं और गंभीर प्रयास करते हैं तो कांग्रेस इनको समर्थन जरूर दे देगी। और फिलहाल जिस तरह से शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार बनाने का दावा ठोका है, उससे लगता है कि तीनों पार्टी के बीच चंद्रखाने बहुत कुछ फाइनल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।